साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी उनके शपथ ग्रहण को लेकर अपना मेगा प्लान बना चुकी है, साथ ही पूरी तैयारी भी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोपहर 2 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय एकाना क्रिकेट स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण के लिए निर्देश भेज दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक इस समारोह में प्रत्येक क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले मौके पर पहुंचेंगे। सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार कर लखनऊ भेजने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था सांसद, विधायक और पार्टी की तरफ से कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जुटने वाले खास लोगों की बात करें तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के सीनियर पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं, कितना कुछ खास होने वाला है ये शपथ ग्रहण? देखिए, 5 साल का बेहतरीन कार्यकाल करने के बाद 37 साल का मिथक तोड़ा है उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने, और अब 25 तारीख का वो समय लगभग निर्धारित हो गया है जब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए शपथ ग्रहण करेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी तक औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं थे क्योंकि पहला कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरे कार्यकाल की शपथ उन्होंने नहीं ली थी, तो 25 तारीख को वो शपथ भी ले लेंगे और उसके बाद वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री ना होकर के पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो एकाना स्टेडियम में होना है जो कि शहीद पथ पर है, और उसके लिए वहाँ पर बीते 3 दिनों से जो तैयारियाँ हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि अभी वहाँ पर मीडिया के जो कैमरे हैं वो अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। अब इन लोगों में कौन कौन है, सबसे पहले अगर अतिथियों की बात करी जाए तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संघ के कई सारे बड़े नेता, केंद्रीय कैबिनेट के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी ज़िले के और उत्तर प्रदेश के ज़िले के और अलग अलग बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री, मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, वो सभी लोग इस पूरे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद होने वाले हैं। इसके अलावा सेकेंड लेन में अगर हम बताएं तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, पहले तो वो भी जान लेना यहाँ पर ज़रूरी है। हालांकि ये लिस्ट अभी तक किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं की गई है, नहीं बताया गया है। कल भी दिल्ली में विचार मंथन जो था वो चल रहा था बीजेपी की कोर कमेटी के साथ, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई सीनियर लीडर जो थे वो मौजूद थे, और वहाँ पर भी विचार विमर्श किया गया है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसे इस बार आराम देना है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो खबरें निकल कर सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार महिलाओं को और युवाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी इस नए मंत्रिमंडल में, और कुछ कुल मिलाकर करीब 50 के करीब मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लगभग बीजेपी की तरफ से कल एक पत्र भी जारी किया गया है, यूपी बीजेपी और दिल्ली बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में वो पत्र भेजे गए हैं जिसमें ज़िला प्रभारी, ज़िला अध्यक्षों को नामित किया गया है, और साफ तौर पर ये लिखा गया है कि आप अपने यहाँ से जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, इन सबकी जो सूची है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड, जल्द से जल्द जमा कराएं, जल्द से जल्द बताएं कि कौन कौन नेता है। और कार्यक्रम जो 25 तारीख को होना है उससे एक दिन पहले ये सभी जो लोग हैं ये सब राजधानी लखनऊ कार्यक्रम स्थल के पास पहुंच जाएं, पूरी व्यवस्थाओं को देखना शुरू कर दें। इसके अलावा जिलों में सुबह से ही पूजा पाठ का आयोजन भी करवाया जाएगा, ऐसा भी उसमें निर्देश दिया गया है कि सभी लोग पूजा पाठ भी मंदिरों में करें। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जनता से मुलाकात करके उन्हें बताएं, अलग अलग चौराहों पर होर्डिंग्स लगाई जाए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, और दोपहर के बाद ये शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो आयोजित होना है।
अब बात होती है कि लोग कौन कौन आएंगे जो देखने आएंगे, तो इसमें आम जनता के लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को भी इसमें बुलाया गया है। आसपास के जितने भी जिले हैं उन जिलों में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हो गए, इन सबको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और वो सब भी इस कार्यक्रम में आकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो तारीफ है वो करते हुए नजर आएंगे, बताते हुए नजर आएंगे कि उनको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, किन योजनाओं का लाभ वो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली गई है और एकाना स्टेडियम में जाहिर सी बात है 25 तारीख को एक बड़ा हुजूम जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल नितिन, इसमें एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है, जैसा कि खबरें सामने आ रही है कि जो एक सीएम से प्रदेश के उनको भी इनविटेशन भेजा गया है और शायद वो भी इसमें आ रहे हैं, इस खबर में क्या कुछ सच्चाई है? और नितिन, जो एक सीएम है, अगर बात किया जो है अखिलेश यादव की, जो मेन विपक्ष है, खासा टक्कर दिया उन्होंने चुनाव में, उनके आने की जो खबरें हैं या फिर जो अटकलें हैं जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही, कितना कुछ सच्चाई है और क्या क्या वो शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए, ये नियम है कि जब भी किसी भी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें जो एक्स सीएम होते हैं वो आते हैं और एक्स सीएम के अलावा उसके पहले जितने विपक्ष के सीनियर लीडर रहे हैं उनको बुलाया जाता है। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी जो इनविटेशन है वो भेजा गया है, चाहे वो सोनिया गांधी हो उन्हें भी इन्विटेशन भेजा गया है, राहुल गांधी को भी इन्विटेशन भेजा गया है, प्रियंका गांधी को इन्विटेशन भेजा गया है, बसपा की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इन्विटेशन भेजा गया है, सतीश चंद्र मिश्रा को भी इन्विटेशन भेजा गया है, सपा से बात करी जाए तो मुलायम सिंह यादव जो कि सपा संरक्षक हैं उन्हें भी इन्विटेशन भेजा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी इन्विटेशन भेजा गया है। इन सभी नेताओं को जो विपक्ष के सीनियर लीडर रहे हैं और अभी विपक्ष में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, इन सभी को जो निमंत्रण पत्र है वो भेजा गया है। अब कौन आता है कौन नहीं आता ये देखना है मगर, लेकिन हाँ ये चीज अहम है कि जब इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी तो उस दौरान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि हाँ एक मजबूत विपक्ष का दमखम दिखाने के लिए जाहिर सी बात है जो विपक्ष के सीनियर लीडर हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए हों, चाहे मुलायम सिंह या फिर अन्य जो लीडर हैं विपक्ष के, वो सब इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल नितिन, साधु संतों के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो ये जो नॉर्मल लोग हैं जैसे इंजीनियर और साहित्यकार समाज सेवी, कितना और स्पेशल बनाएंगे इस जो शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि जिस तरह से एक हिस्ट्री बनाई गई है 3 दशकों के बाद, उस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में भी एक आम लोगों को शामिल कर रहे हैं, किस तरह का एक बड़ी हिस्ट्री आप देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह में भी नितिन? हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इसके पहले जो भी शपथ ग्रहण समारोह किसी भी सरकार के हुए हैं तो उसमें लाभार्थियों को नहीं बुलाया गया है, उसमें किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा नहीं किया गया है। ये पहला ऐसा शपथ ग्रहण होगा जो कि इस तरह से किया जा रहा है और जाहिर सी बात है इसमें जो प्रबुद्ध वर्ग है उस वर्ग को भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि इसके चुनाव से पहले अगर हम देखें तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन लगभग सभी राजनीतिक दलों ने किए थे और जब उसके मायने, जब उसके मतलब पूछे गए थे तो साफ तौर पर उनका ये कहना था लगभग सभी राजनीतिक दलों का कि ये प्रबुद्ध वर्ग वो वर्ग है जो समाज में अपनी एक बेहतर पहचान रखता है, जो समाज सेवी के रूप में या फिर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जो समाज में अलग अलग रूपों में जनता की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, तो उसी प्रबुद्ध वर्ग को इस कार्यक्रम में बुला करके, शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में बुला करके इसको और भव्य बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से करी जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। कई एक जो सूची है वो भी तैयार की गई है जिसमें सीनियर डॉक्टर्स शामिल हैं, सोशल वर्कर्स शामिल हैं, कई और जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, कई और बड़े नाम साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल हैं, कुछ साहित्यकार हैं जो इसमें शामिल हैं। अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव हमेशा से ही रहा है, वहाँ पर जो संगीत से जुड़े हुए प्रमुख बड़े नाम हैं, चाहे वो लच्छू महाराज की हो गई हो या फिर कई और बड़े नाम हैं, उनसे हमेशा से उनका लगाव रहा है, तो ऐसे नामों को भी इस कार्यक्रम में बुला करके
उनके सामने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को किया जाएगा और इसे और भव्य बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, ये जाहिर सी बात है कि अपने में ये एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और उनके अलावा जो स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे वो भी इस कार्यक्रम में शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और उन सब का जो गवाह होगा वहां पर, जो पब्लिक इकट्ठा होने वाली है, वो सब होंगे। जी बिल्कुल नितिन, 24 तारीख को एक मीटिंग की भी सूचना सामने आ रही है, जिसमें शायद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, साथ ही और भी जो गठबंधन दल के प्रमुख है, निषाद पार्टी के प्रमुख हो गए, ये लोग भी शामिल होंगे। तो क्या इसमें कोई अहम बैठक, इस बैठक में क्या कोई अहम मंत्रिमंडल को लेकर के फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब सबकी नजरें शपथ ग्रहण के साथ साथ मंत्रिमंडल पे भी टिकी हुई है। नितिन, देखिए, मंत्रिमंडल की बात करी जाए तो मंत्रिमंडल की सूची लगभग जो है वो तैयार हो चुकी है त्रिशला, और जाहिर सी बात है इस सूची पर अब आखिरी जो मंथन, आखिरी जो विचार विमर्श और मोहर लगने का काम जो है वो चलेगा। बीते दिनों देखा कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने पहले जो गठबंधन के नेता हैं उनके साथ भी मुलाकात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, इन लोगों के साथ मुलाकात बैठकें हुई थी। उसके बाद लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी इस बैठक में शामिल रहा था, और कल भी एक बैठक हुई थी दिल्ली में, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, और उत्तर प्रदेश से जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, ये सारे जो बड़े नेता थे, सारे उस बैठक में मौजूद थे, और सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिर किसे मंत्री बनाना है, किसे आराम देना है, कौन नया चेहरा है, क्योंकि 10 मंत्री भी उत्तर प्रदेश के हारे हैं इस बार का चुनाव, तो वो सीटें भी खाली हैं, उन जगहों पर किसे फिक्स करना है, इसके अलावा किसने किस क्षेत्र में बेहतर काम किया है, क्योंकि पश्चिम में अगर देखी जाए तो पश्चिम में, नितिन, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्या ये 2024 को देखते हुए भी किया जा सकता है, क्योंकि अब सीधा भाजपा सरकार हमेशा से एक्टिव मोड में रहती है, उनके कार्यकर्ता हमेशा से कार्य के अवस्था में रहते हैं, हमेशा वो एक्टिव दिखते, तो क्या 2024 को ध्यान में रखते हुए इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था त्रिशला, कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना, क्योंकि 10 मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के हारे हैं, और इस बार कहीं ना कहीं एक हवा जो थी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी चल रही थी, और ऐसे में ही देखा जाए, क्योंकि जो उनकी सीटों का इजाफा हुआ है, वोटिंग परसेंटेज का इजाफा हुआ है, इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं जनता और कुछ लोग ऐसे थे जो बीजेपी से नाराज थे, वो नाराजगी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई। तो इसके बीच में ये देखना है हमें कि किन लोगों ने उस क्षेत्र में बेहतर काम किया है, जो जाट बहुल क्षेत्र रहा है, जो किसानों का क्षेत्र रहा है, जो मुस्लिमों का वोट लेकर के बीजेपी में आए हैं, तो इन लोगों के ऊपर भी नजर पूरी तरह से बनाई गई है कि किन किन लोगों ने वहां पर बेहतर काम किया और अच्छा काम किया है, और उन नेताओं को भी इस बार तवज्जो दी जाएगी। संजीव बलियान का नाम सबसे अहम है, कि हालांकि वो केंद्र में इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन संजीव बलियान का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक नाम ऐसा है जिसने पश्चिम में जाकर के जाट बहुल्य क्षेत्रों में दौरे किए हैं, जाटों का वोट अगर कोई ला पाया है तो संजीव बलियान को ही उसका नेतृत्व दिया जा रहा है, उसका श्रेय दिया जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिमों का वोट, क्योंकि कई ऐसी प्रमुख सीटें रही हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक रहा है, और वहां से भी बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करके निकलकर जीत कर भी सामने आई है। तो ऐसे में ये देखना है कि वहां पर कौन सा बड़ा नेता था जिसने बेहतर काम किया है, किसने वोट वहां से अपनी पार्टी के पक्ष में बटोरे हैं, तो इन लोगों को भी इस बार इनाम देने की पूरी कोशिश जो है वो करी जा रही है। और जाहिर सी बात है, 24 का चुनाव है, और 24 के चुनाव को देखते ही हुए ये शपथ ग्रहण का समारोह हो गया, जिसमें इसको भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लाभार्थियों को बुलाया जाएगा या फिर प्रबुद्ध वर्ग को बुलाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 24 के चुनाव को नजर में रखते ही हुए इतनी बेहतर और भव्य तरह तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो बीजेपी ने जीत लिया, अब उनके सामने 24 का चुनाव जीतना है, और 24 का चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत अहम होता है। तो पहली लड़ाई जो है वो बीजेपी ने जीत ली, अब दूसरी लड़ाई के लिए वो अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं, लेकिन इस बार काफी कुछ बीजेपी को और ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी जान रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में काफी कुछ उसे नुकसान हुआ है, 50+ सीटें वो हारे हैं पिछली बार से, तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रत्याशियों की सूची, प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस, कौन बेहतर काम कर रहा है, कोई नाराज तो नहीं है, इन सारी चीजों को देखने के बाद ही चीजों को व्यवस्थित करके जो जो लिस्टिंग है वो करी जाएगी कार्यकर्ताओं।
जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका। हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो योगी सरकार 2.0 है उसका शपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख को होनी है। आज कुछ ही दिन शेष है और लगातार जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार की अगर बात किया जाए तो 2024 को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल क्या होगा और कितना भव्य होने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर है। इकाना स्टेडियम में तैयारियां हो रही है, सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है और इन सब के बीच जो मेहमान है उनको भी इनविटेशन भेजा जा रहा है कार्यकर्ता के साथ साथ। जो सबसे अहम बात है और शपथ ग्रहण समारोह को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जितने भी लाभार्थी हैं योजनाओं के, जिन्हें भी लाभ मिला है योजनाओं के 5 साल के कार्यकाल में, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे वो प्रदेश की योजनाएं हो, वो सभी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। साधु संतों के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर साहित्यकार समाज सेवी भी, वही मोहन भागवत के साथ साथ प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।